नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हार्डवेयर लर्निंग में। और सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगते हो काफ़ी टाइम से हमारी वीडियो डली नहीं चैनल पे, क्योंकि देखिए आप भी जानते थोड़ा बहुत काम तो सभी को रहता है, काफ़ी टाइम भी आते मैं वीडियो डाल रहा हूँ आपको। लेकिन ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है जो न्यू टेक्नीशियन है, क्योंकि ये जो फॉल्ट है ये हर किसी के समझ में नहीं आता। जो ये फॉल्ट है आज इस सैमसंग के माइक्रोवेव में आया है, फॉल्ट कुछ इस तरह है कि जैसे हम ये ढक्कन है इसको हम बंद कर देते हैं जब स्विच ऑन करके, तो ये फ्यूज उड़ा देता है, मतलब जो एमसीबी होती है हमारी वो एमसीबी डाउन कर देता है। आइए शुरू करते हैं, आपको दिखाता हूँ, मैं आपको प्लग लगा के दिखाता हूँ। पहले ये हमने प्लग लगा दिया है, देखिए ये हमने प्लग लगा दिया। ये भी स्टैम्प पे सीरीज पे है, ये बल्ब है हमारा, ये सीरीज पे स्टैम्प पे। देखिए इसमें ये हो रहा है कि देखिए हमने तार लगाई, इसकी प्लग लगाया तो इसमें लाइट आ गई है, ठीक है। जैसे हम इसको बंद करते हैं ये देखिए शॉर्ट हो गया बिल्कुल, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये लाइट जल गई है और यहाँ से डिस्प्ले गायब हो गई है। इसको मेन पे नहीं किया ना, तो अगर मेन पे करता तो एमसीबी हमारी डाउन हो जाती, इसलिए ये सीरीज पे है। आइए पहले इसको खोलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसमें क्या दिक्कत है। अनप्लग करेंगे इसको, अब इसको सारे स्क्रू खोलते हैं हम लोग। ये हमने ये खोल दिया, इसके सारे पिच खोल दिए हमने, यहाँ से यहाँ के सारे पिच खोल दिए हमने, देख सकते हैं। अब इसको हम अनबॉक्स करते हैं, ठीक है। ये हमने खोल दिया पूरा, हमारा जो काम है हमें करना है, जो फॉल्ट है हमारा फॉल्ट है इन स्विचों में, जो मैंने आपको दिखाया था ना अभी कि दरवाज़ा ऑन करते हैं तो लाइट आ जाती है इस पर, और उसके दरवाज़ा ऑफ करते ही देखते ये जो स्विच है, ये आप देख सकते हैं इसमें अभी भी लॉक, अभी दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा बंद है। और ये स्विच जो दिखाई दे रहा है आपको, सही दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ये प्रॉपर बंद नहीं हुआ है। देखो इसको यूँ बंद होना चाहिए, ये यूँ बंद होना चाहिए, ये बंद नहीं हुआ है। ये देखिए ये जैसा था, ये देखिए ढंग से ये बंद नहीं हो पा रहा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए ढंग से बंद नहीं हो पा रहा, इसमें ही फॉल्ट है हमारा। ऊपर वाला देख सकते हैं, ऊपर जा रहा स्विच है, देखिए ये वाला जो स्विच है हमारा, ये पूरा वर्क कर रहा है, देखिए बंद हो गया। लेकिन जो नीचे वाला है ऊपर बंद नहीं हो पा रहा है, देख सकते हैं आप। तो हमारा फॉल्ट इस पे है, इसको मैं निकाल देता हूँ, एक मिनट वाला स्विच निकाल देता हूँ, ये बड़े प्यार से निकल जाता है, इसमें लॉक होते तो देखिए निकल के आ गया। देखिए ये ढंग से वर्क नहीं कर पा रहा है, इसको हम एक बार कंटिन्यूटी से चेक कर लेते हैं कि काम भी कर रहा है नहीं कर रहा है। ये मेरा मीटर है, इसको हम कंटिन्यूटी बना लेंगे इस पर बजर पे, तो हम इसको चेक करते हैं कि काम कर रहा नहीं कर रहा है। ये हमारा स्विच है जो मैंने निकाला, इसको चेक करते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा, ये काम सही कर रहा है, मतलब जो डोर हमारा डोर है वही मतलब कि ढंग से लग नहीं पा रहा है। तो हम देखते हैं फॉल्ट किस में, दोनों में से किस में, ठीक है। हम इसको वापस वहीं पे लगा देंगे जहाँ से निकाला था हमने। ये हमने स्विच लगा दिया, देखिए आप देख सकते हैं, एक बार डोर लगा के देखते हैं, अगर बंद हो रहा तो ठीक है, नहीं तो इसमें फिर कारीगरी करेंगे, नहीं बंद हो रहा। अब हम क्या करेंगे आपको बताता हूँ मैं। जी पेज देख रहे होंगे आप, ये पेज लगे पड़े हैं, इसके पेज ये वाले इसमें थोड़ी कारीगरी करेंगे हम लोग, मैं आपको बताता हूँ कैसे कारीगरी होगी। दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम बताता आपको स्विच की, वो प्रॉब्लम आई भी इसलिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो इसका ये देखिए आप प्लास्टिक देख सकते हैं, ये प्लास्टिक ये देख सकते हैं प्लास्टिक, ये इसमें गैप आ गया है। अगर ये प्लास्टिक ऊपर होता थोड़ा सा, देखिए आप देखिए आप देख सकते हैं इसमें ये वाला गैप, ये देखिए ये इसके चक्कर में हो गया है। तो कोशिश करते हैं पहले इसमें भारी खोल लिया, देख सकते हैं आप ये हमने भारी निकाल लिया है, जो ये काम नहीं कर रहा था, आप देख रहे हैं स्विच, ये स्विच
काम नहीं कर रहा था। ये काम इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि इसके अंदर ना, ये आप देख सकते हैं ये लीवर है, इसके अंदर गैप आ गया था, इस लीवर के अंदर गैप आ गया था, जो ढंग से दबा नहीं पा रहा था इसको। तो देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें दोस्तों ये मैंने स्विच निकाल दिया, अलग कर दिया है, और मैंने दोस्तों इसके ये जो ये नॉक होती है जो इसमें जिसमें फंसते हैं, ये मैंने तोड़ दिए हैं। जी देखिए इसमें ये नॉक होते हैं, आपको दिखाई दे रहा हूँ आपको, ये नॉक होते हैं ये नीचे, ये वाले मैंने तोड़ दिए हैं। अब मैं करूँगा क्या, अगर मुझे ना तो ये पूरा चेंज करना पड़ेगा, ये अगर मैं इसी को लगाता हूँ तो ये मुझे पूरा चेंज करना पड़ेगा ठीक करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर करके इसमें एक पेज लगाऊँगा, जो चाइनीज़ पेज आते हैं एक, यूँ करके मैं इसमें एक पेज लगाऊँगा कि ये स्विच बंद हो जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं इसमें पेज लगा दिया है, देखिए जी मैंने पेज लगा दिया है। अब इसको एक बार लगा के देखता हूँ काम कर रहा है नहीं कर रहा है। दोस्तों देखिए मैं लगा चुका हूँ इसके अंदर ये वापस, अभी मैंने स्क्रू नहीं लगाया इसके, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये काम कर गया हमारा जुगाड़, ये देखिए पहले बंद नहीं हो रहा था, अब ये बंद होने लग गया है, इसके तीनों स्विच बंद है। ठीक है, अब इसमें एक बार हम चला के देखते हैं इसको, एक बार हम इसको चला के देखते हैं। ठीक है, इसको हम चला के देखते हैं, इसका हम प्लग लगा रहे हैं, शॉर्ट बता रहे, तो आप देख सकते हैं ये अभी भी शॉर्ट बता रहा है, हमारा बल्ब बिल्कुल तेज़ जल रहा है। इसमें मतलब और भी कोई दिक्कत है, देख सकते हैं इसमें और भी कोई दिक्कत है जो ये शॉर्ट बता रहा है, जबकि इसको शॉर्ट नहीं बताना चाहिए। ये देखिए इसमें देखते हैं कौन सा वाला स्विच काम नहीं कर रहा है, एक बार हम देखते हैं, हम देखते हैं अब इसमें ये काम कर रहा नहीं कर रहा, इसका स्विच थोड़ा कोई दिक्कत कर रहा है, देखते हैं हम, क्योंकि शॉर्ट बता रहा है बिल्कुल। ये पहले तो हम अनप्लग करेंगे इसको, अब देखेंगे कौन सा स्विच काम नहीं कर रहा ढंग से। भी सही काम कर रहा था, इसमें से एक स्विच जो है उसको डिस्कनेक्ट होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये वाला स्विच डिस्कनेक्ट हो रहा है, बीच वाला स्विच मेरे को लगता है ढंग से काम नहीं कर रहा है। हम खोल लेते हैं और देखते हैं, ये वाला स्विच है ये ख़राब हो गया है, एक टिक टिक करके आवाज़ आती है, आपको देखना वो ढंग से आवाज़ नहीं आती आ रही इसमें, ये वाला स्विच ख़राब है, और मैं श्योर हूँ कि ये वाला स्विच चेंज करते ही हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये तीन पिन का है, ये तीन पिन की रेल है, देख सकते हैं आप, ये ढंग से काम नहीं कर रही है, देखिए इसमें एक आवाज़ आती है टिक टिक करके, वो आवाज़ नहीं आ रही है। देखिए गाइस मिल गया सेम टू सेम मेरे पास था, और दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ जो मैंने पहले वाला स्विच हमने दिखाया था आपको, जो नीचे वाला स्विच था ये वाला, ये भी काम नहीं कर रहा था। इसके चक्कर में ऐसा होता है कि अगर ये मतलब कि प्रेस ना हो तो अंदर वाली जो टीडी ट्रे होती है वो राउंड करने लग जाती है, और पंखा भी अपने आप घूमने लग जाता है, इसमें ये प्रॉब्लम होती है। तो मतलब ये भी काम नहीं कर रहा, तो एक ये हमारा स्विच जिसकी वजह से हमारा एमसीबी उड़ रही थी, ये हमने लगा दिया स्विच वहाँ पर, देख सकते हैं हमने ये स्विच लगा दिया। एक बार लास्ट टाइम हम चला के देख लेते हैं इसको, ये बिल्कुल सही हो गया, अब हमने दरवाज़ा बंद है तो हमारा, अब लाइट भी नहीं जल रही हमारी, पहले लाइट जल रही थी आप देख सकते थे पहले, अब ले कि लाइट भी नहीं जली, अब बिल्कुल वर्किंग देते हैं, देख सकते हैं अब बिल्कुल ठीक है, अब ये बिल्कुल वर्किंग पे है। इसको हम एक बार चेक करते हैं चला के, देखिए अब ये मैंने थोड़ा कपड़ा ये अलग गीला कर लिया है, मैं चेक करने के लिए कर रहा हूँ, इसको मैंने अंदर डाल दिया, अब इसको हम कर देते हैं मेन पे,
अभी हम इसको चालू कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल चालू हो गया, बिल्कुल सही हो गया, देख सकते हैं सब कुछ वर्किंग कर रहा है, फैन भी वर्किंग कर रहा है और फैन टोन की वो भी आवाज़ आ रही है। अब ये बिल्कुल सही हो गया है, देख सकते हैं। जो अगर देख रहे होंगे तो आपको इसमें भाप निकल रही है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। थैंक यू, हमारी वीडियो देखने के लिए आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं लगी तो कोई बात नहीं। थैंक यू।